हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी के सिलेबस का चैप्टर 7, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। डे 1 में आज हम कवर करेंगे कंटेंट, सेल साइकिल, इंटरफेस एंड डिवीजन फेज व्हिच इज नोन एज माइटोसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पढ़ेंगे अबाउट सेल साइकिल। सेल साइकिल जो वर्ड यहाँ यूज किया है वो वर्ड सेल की लाइफ के लिए है। सेल की जो लाइफ है मेन दो फेजेस में कंप्लीट होती है, एक है इंटरफेज और दूसरा है डिवीजन फेज व्हिच इज नोन एज एम फेज। इंटरफेज व्हिच इज नोन एज द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव डिवीजन। सो डिवीजन फेज इज द फेज ऑफ डिवीजन इन विच सेल इज गोइंग टू डिवाइड। इन दोनों फेज के बीच में सेल की लाइफ कंप्लीट होती है। लाइफ कंप्लीट होने के बाद न्यूली फॉर्म सेल फिर इसी पैटर्न में आगे ग्रो करती है, इसलिए ये एक साइक्लिक पैटर्न फॉर्म होता है और इसी साइक्लिक पैटर्न के कारण इसे सेल साइकिल कहते हैं। तो इन शॉर्ट, सेल साइकिल व्हिच कंप्लीटेड इनटू टू फेज, फर्स्ट इंटरफेज, इन दिस देयर इज फोर सब फेजेस, G0 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इन द सेकेंड फेज डिविजन फेज और एम फेज कैरियोकाइनेसिस व्हिच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट इंटरफेज। इंटरफेज इज द फेज बिटवीन टू सेल डिविजन, दो सेल डिविजन का बीच का फेज है। इन दिस फेज सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर द डिविजन, सो कॉल्ड प्रिपरेटिव फेज। इट इज अ लॉन्ग फेज ऑफ सेल साइकिल। इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द सेल लाइफ। मीन्स ये सेल की लाइफ का टोटल 95% शेयर करता है। इट ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज बट एक्सट्रीमली एक्टिव। रेस्टिंग फेज कहने का मतलब है कि सेल में विजिबली किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट मेटाबॉलिकली ये सेल्स एक्टिव फेज है जो कि नेक्स्ट डिवीजन की फेज के लिए प्रिपेयर कर रही है। इन दिस फेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स टेक प्लेस। सो नेक्स्ट इज सब स्टेजेस ऑफ द इंटरफेज। इन दिस द फर्स्ट फेज इज जी नॉट फेज। सेल साइकिल कैन रिमेन अरेस्ट ओनली इन G1 फेज, देन G1 इज कॉल्ड G0 फेज। का मतलब है कि अगर कोई सेल्स डिवाइड होने के बाद फर्दर डिवाइड नहीं करे, एग्जाम्पल नर्व सेल्स, एग्जाम्पल परमानेंट सेल्स ऑफ द प्लांट, दीज सेल्स आर कंप्लीटली अरेस्ट इन टू G1 फेज विच इज टेक्निकली टर्म एज G0 फेज। G0 फेज फाउंड इन द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट्स। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट डिवाइडिंग। सेकेंड फेज ऑफ द सेल साइकिल इंटरफेज, दैट इज G1 फेज, गैप 1 फेज। दिस इज अ मोस्ट वेरिएबल फेज फॉर द ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन के केस में मोस्ट वेरिएबल है। फॉर द फास्ट डिवाइडिंग सेल्स दिस इज वेरी शॉर्ट। फॉर द फास्ट डिवाइडिंग सेल्स दिस G1 इज कंपेरेटिवली शॉर्टर देन एस फेज। फॉर दी स्लो डिवाइडिंग फेज G1 इज कंपेरेटिवली ग्रेटर देन एस फेज। सेल ग्रोथ अकर इन दिस फेज, सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द इंटरफेज। याद रखिएगा, आपको बताया कि अगर सेल स्लोली डिवाइड कर रही है तो ही G1 फेज डोमिनेंट फेज या ग्रेटर फेज होगी। अगर सेल्स फास्ट डिवाइडिंग सेल्स है उन सेल्स में एस फेज जो ग्रेटर फेज। अगर सेल्स डिवाइड नहीं करी तो जैसे हमने पिछले पढ़ा कि वो सेल्स जी नॉट फेज में कहलाती है, जैसे कि नर्व सेल्स और प्लांट टिश्यू। इन दिस फेज मोस्ट ऑर्गेनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोजोम्स, राइबोजोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस। इन सारे ऑर्गेनलीज का सेल्स में नंबर इंक्रीज होगा क्योंकि इस सेल्स में इस समय मेटाबॉलिकली कई सारी
reactions, biochemical convergence हो रहा है. इन न्यूक्लियस mRNA, tRNA एंड rRNA सिंथेसाइज, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड एंड मेटाबॉलिक रेट ऑफ दिस सेल्स बिकम वेरी हाई बिकॉज दिस G1 फेज इज द फेज जस्ट बिफोर टू टेक डिसीजन सेल विल डिवाइड और नॉट. अगर इस फेज में सेल ये डिसाइड करती है कि उसे डिविजन करना है तो डिविजन से पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करने के लिए उसे सारे मेटाबॉलिक रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. तो दिस इज द फेज विच इज नोन फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स, रॉ मेटाबोलाइट्स फॉर द डीएनए डुप्लीकेशन. एस फेज, दिस इज वेरीज फ्रॉम 6 to 10 आवर्स ऑफ द सेल, स्पेशली ह्यूमन सेल्स के लिए ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज है. Replication of DNA take place, so DNA get doubled. In this, DNA get doubled, it means the content of DNA is convert C to 2C, where C is the content of DNA. We can define in the picogram. Picogram, it means 10 to power minus 12 gram. So, ye jo content hai, ye C se 2C convert hota hai, but cells are not convert, not increase their number of chromosome. तो जगह पर ये कहेंगे कि सेल्स के क्रोमोजोम के नंबर में चेंजेस नहीं होगा बट सेल्स के डीएनए कंटेंट, इट मीन्स अमाउंट ऑफ डीएनए वेरिएबल होगा, चेंज होगा, और ये जो चेंज है उसके इनिशियली प्रेजेंट डीएनए से जस्ट डबल होगा. इन दिस फेज हिस्टोन आर सिंथेसाइज दैट कवर ईच स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए. Centrosomes replicate is in late S phase. So S phase के end में जो एक event है, important event which is known as duplication of centriole, this is important for the cell division. So in the cell, centrosomes or centriole is known for the organelle which is responsible for cell division. This phase indicates cell is ready for cell division. Cell division ke liye ready. Next phase, that is G2 phase, which lasts by 3 to 12 hours. In this phase, DNA replication is completed. That's why it is also known as post-DNA replication phase. And finally, cell is preparing for the cell division. In this, the process of preparation, tubulin protein synthesize, start for the spindle formation. This phase may be called post-DNA synthesis phase. Duplication of mitochondria, chloroplast and Golgi body take place. These are the major organelle. So finally, it is check out ki cells mein even number mein ye organelle is present hai ya nahi hai. For example, if the cell containing 7 mitochondria, so in this case, the number of mitochondria which is decided in the information of genome of that organism, that is 5 for each. So, har cell mein jo banke ja rahi hai, usme 5 mitochondria hona chahiye. But still, the cell having 7 number of mitochondria. So, in this 3 of the mitochondria, they replicate and the number of, they reach up to 10 number of the mitochondria, and after this 10 number divide into 2 cells which having 5 number of the mitochondria. Cell division involves enormous expenditure of energy, thus the cell store ATP in G2 phase. So G2 phase energy metabolism ke aspect se bahut important hai. Is phase mein mitochondria ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाते हैं जो कि डिवीजन के समय एटीपी एक्सपेंडिचर को बेयर करते हैं. आफ्टर G2 फेज सेल इंटर इनटू डिवीजन और M फेज. सो हियर इज सम पॉइंट व्हिच इज कॉज फॉर द सेल डिवीजन. सम ऑफ द साइंटिस्ट दे आर एक्सप्लेनिंग
अबाउट वाई सेल इज अंडरगो इनटू डिवीजन, सेल्स डिवाइड क्यों करती है। तो सेल के डिवाइड होने के पीछे कुछ रीजन दिए गए, उस रीजन में से दो थ्योरीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पहली है कर्न प्लाज्म थ्योरी विच इज गिवन बाय हर्टविग। अकॉर्डिंग टू दिस द कर्न प्लाज्म दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट अपॉन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। सो दिस न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सो द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म दैट इज नोन एज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, दैट इज नोन एज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स सेल डिसाइड टू विल डिवाइड और नॉट, कि वो डिवाइड होगी या नहीं होगी। सो इन दिस के आई इज इक्वल टू वी एन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विच गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम साइटोप्लाज्म के बेसिस पर हम यहां पर सेल यहां पर डिसाइड करती है। इफ द के आई वैल्यू इज हायर देन वन और हाई, सो देर इज नो डिविजन इज टेक प्लेस इन द सेल। दिस टाइप ऑफ रेशियो ऑब्टेन इन द स्मॉल साइज ऑफ द सेल विच हैविंग लेस साइटोप्लाज्म। इन द लार्ज साइज ऑफ सेल्स इन विच द मोर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट द रेशियो ऑफ के आई इट इज लोअर देन वन और लेसर। दिस विल helps to take decision in the cell to divide. So, ऐसी condition में जब low KI value होगी तो cell division की और आगे बढ़ेगी, अगर high KI value होगी तो cell divide नहीं करेगी। So, here KI is inversely proportional to the volume of cytoplasm. So, अगर volume कम है तो karyoplasmic index high होगा, और volume ज्यादा है तो karyoplasmic index कम होगा, और इसी इंडेक्स के बेसिस पर सेल डिसाइड करती है कि उसे डिवाइड करना है या नहीं। इन द नेक्स्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, इट इज से दैट व्हेन द सेल्स ग्रो इन द साइज वॉल्यूम इंक्रीज इट बट सरफेस एरिया रिमेन लेस। सो इट्स अफेक्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल विच रिजल्ट इनटू डिवीजन ऑफ सेल। इस सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को हम समझते हैं, एक मैथमेटिकल अप्रोच है कि एक जो स्फीयर है इसकी रेडियस है स्मॉल आर, दैट स्मॉल आर इट मींस अनदर स्फीयर विच हैविंग ग्रेटर रेडियस विच इज डिनोट बाय कैपिटल आर। अब यहां पर जैसे कि टर्म दिया है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, तो हम यहां पर काउंट करना है स्फीयर का एरिया अपॉन वॉल्यूम। सो जब हम यहां पर एरिया कैलकुलेट करेंगे, सो हियर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज 4 पाई बाय 3 पाई आर क्यूब। इसी को हम कंपेयर करना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 बाय 3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो इस बैलेंस में हमारे पास जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो आएगा 3 बाई आर इक्वल टू 3 बाई कैपिटल आर। सो दिस इज एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो। सो इफ द आर वैल्यू इज लेस दैट मीन्स द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम इज ग्रेटर। इफ द आर वैल्यू इज ग्रेटर दैट मीन्स द रेशियो ऑफ surface area upon volume is less. So when the cell increase their size, they are showing less surface area volume ratio that will leads to the division of the cell. A specific point about these two hypotheses regarding to cell division are completely discarded because of new concept that is genetic control of cell division. तो इन्हें रिफ्यूज कर दिया गया, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज द सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो एंड व्हाट इज द के आई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो आपको यहां पर इसे ध्यान रखना है और
मेमोराइज करना है. नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के कंट्रोल जो कि सेल साइकिल की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, जिससे फ्रॉग के एग्स और ईस्ट सेल के सेल कल्चर में ऑब्जर्व किया गया. इन दिस साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट सम ऑफ द एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट एंजाइम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. तो काइनेज इज एन एंजाइम जो कि एटीपी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव और ऐड करने का काम करता है. और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है की प्रोटीन, दिस इज नोन एज साइक्लिन. नाम दिया गया इस प्रोटीन को सेल साइकिल के बेस पर, तो ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, इसलिए इस प्रोटीन का नाम है साइक्लिन. तो साइक्लिन और सीडीकेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है. अब सेल साइकिल को कहां रेगुलेट किया जाता है, तो यहां पर कुछ चेक पॉइंट दिए गए. सो फर्स्ट मेजर चेक पॉइंट, यहां वर्ड कर रहे हैं मेजर चेक पॉइंट इट इज एट द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S फेज. तो मेजर चेक पॉइंट जो कि G1 से S फेज के ट्रांजिशन के बीच में प्रेजेंट. एंड सेकंड, दिस इज नॉन एज माइनर चेक पॉइंट. दिस माइनर चेक पॉइंट इज प्लेस्ड एट बिटवीन G2 फेज टू M फेज. गैप फेज 2 से M फेज के बीच में सेकंड चेक पॉइंट विच इज नॉन एज माइनर चेक पॉइंट इज प्रेजेंट. इन चेक पॉइंट्स पर काइनेज एंजाइम और साइक्लिन प्रोटीन्स जो कि सेल साइकिल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. एस काइनेज जो कि एस फेज के लिए है, इज कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो G1 फेज से एस फेज के बीच में डिफरेंस इतना ही है कि जैसे ही सेल में रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होता है, सेल G1 फेज से एस फेज में ट्रांजिट हो जाती है. इस रिप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो स्पेशल सीडीके है, इट मीन्स साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, दैट नेम इज एस काइनेज. एंड इट्स कंबाइंड विद द अनदर प्रोटीन, दिस इज नोन एज एस साइक्लिन, ऑल्सो नोन एज G1 साइक्लिन. आफ्टर सम टाइम एस साइक्लिन इज डिस्ट्रॉयड एंड एस काइनेज इज नो लॉन्गर एक्टिवेट. तो इसका मतलब कि ये दो प्रोटीन एस काइनेज और G1 साइक्लिन जो कि G1 से एस फेज में सेल को ट्रांजिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये प्रोटीन सेल में बनेंगे तो सेल G1 फेज से एस फेज में ट्रांजिट हो जाएगी और मेजर चेक पॉइंट क्रॉस हो जाएगा. मेजर चेक पॉइंट इसलिए है क्योंकि वंस द सेल इज डिसाइड कि अब उसे डिवाइड होना है, द फर्स्ट थिंग गेट डुप्लीकेट इट्स ओन डीएनए कंटेंट. डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट हुआ, इसका मतलब सेल हमें ये बता रही है कि वो डिविजन के लिए रेडी है. सेकेंड, एम काइनेज विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग ऑन माइटोसिस आफ्टर द बाइंडिंग विद एम साइक्लिन. सो एम साइक्लिन विच इज नोन एज G2 साइक्लिन प्रोटीन जो कि एम काइनेज के साथ बाइंड होकर सेल को इंटरफेस से एम फेज में ट्रांजिट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल. द डिटेल ऑफ द सेल साइकिल वेरीड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट टाइम इन द ऑर्गेनिज्म. ये जो कंट्रोल है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है और इसका ड्यूरेशन जो कि डिफरेंट फेजेस ऑफ इंटरफेस और डिविजन की फेजेस का है वो भी वेरी करता है. हाउएवर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल साइकिल. कुछ जो कंटेंट है जैसे कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन प्रोटीन, ये सभी सेल्स के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड. सो द नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल विच इज नोन एज डिविजन फेज और एम फेज. इन दिस फेज न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिविजन इज टेक प्लेस. न्यूक्लियर डिविजन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. न्यूक्लियस के होने वाले डिविजन को कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिविजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं. एज पर द टाइप ऑफ डिविजन टेक प्लेस इन द डिफरेंट सेल्स,
डिवीजन की फेज को तीन टाइप में पढ़ा जाता है, पहला प्रोकैरियोट्स और कुछ यूकैरियोट्स में होने वाला डिवीजन जिसे डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं वो है ए माइटोसिस, रिमेनिंग टू दीज आर इनडायरेक्ट डिवीजन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन इज माइटोसिस एंड थर्ड टाइप ऑफ डिवीजन इज मियोसिस. माइटोसिस दैट मीन्स डिवीजन इन द सोमेटिक सेल्स, मियोसिस दैट मीन्स डिवीजन इन द गैमेटिक सेल्स. गैमेटिक सेल्स में होने वाले डिविजन्स को हम मियोसिस कहते हैं जिससे गैमेटिक सेल्स प्रोड्यूस होती है, और सोमेटिक सेल्स जो कि हमारी वेजिटेटिव सेल्स हैं उस सेल्स में होने वाले डिविजन जो कि ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे माइटोसिस. फर्स्ट ए माइटोसिस इन विच नो स्पिंडल फॉर्मेशन, नो क्रोमोजोम फॉर्मेशन, जहां पर ना स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे ना ही क्रोमोजोम बनेगा. This type of division is called direct division. It is the simplest mode of cell division. In this type of division, start with elongation of nucleoid. So, हम जानते हैं prokaryotes में nucleoid present होता है, eukaryote में nucleus होता है. So, ये जो division है, ये division nucleus के content को double होकर, या हम कहें nucleus के size के increase होने से दिखाई देता है. In this न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई इट्स कन्वर्ट इनटू डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर. यहां इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियोइड कंटेंट है. इस न्यूक्लियोइड कंटेंट में डीएनए डुप्लीकेट होने के बाद ये जो है स्ट्रक्चर यहां पर इस तरह से एक स्ट्रेच स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि डंबल शेप का दिखाई देगा. न्यूक्लियस डिविजन इज फॉलोड बाय द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. सो यहां हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस दो अलग अलग सेपरेट होने के बाद दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है. दिस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस सच टाइप ऑफ डिविजन विच इज टेक प्लेस इन पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया. सो इन ऑल टाइप ऑफ प्रोकैरियोट ए माइटोसिस इज टेक प्लेस, but in some few eukaryotic cell this type of amitosis is take place. In the yeast budding which is showing amitosis, multiple fission in amoeba, it is also a type of amitosis, and mega nucleus division of paramecium, it is also a amitosis type of division. This is end of the day.